गाइज वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो उनके लिए आपकी सोच, उनके लिए आपकी एनर्जी, ये हम देखेंगे आज के रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। गाइस रीडिंग को पूरा देखना है फॉर क्लियरिटी, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले। एंड ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जब मर्जी आप इसको देख सकते हो, कलेक्टिव है, जनरल है। सो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग की जाती है, तो जितना कुछ आपसे रेजोनेट करता है उतना आप ले लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके एंड या चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और रीडिंग रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। ओके चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, सेल्फ लव, अबंडनमेंट, टाइम फॉर एक्शन, पे अटेंशन टू द साइन। बॉटम ऑफ द डेक से ग्रेटिट्यूड है विद एडिक्टेड, एडिक्टेड ओके। और एनर्जीज देखेंगे हम। प्लीज वेट। चलिए प्लीज एनर्जीज गाइड करें। Nine of Pentacles, the Hermit, the Devil, and Six of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से है टेन ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड। गाइज यहाँ पर पता है मैं एनर्जी में देख रही हूँ कि जिस वक्त से आप गुजरे हो ना, जो दर्द से आप गुजरे हो ना, अभी वो दर्द ये फील कर पा रहे हैं, अभी उस दर्द को ये फील कर पा रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। गाइस मुझे ना आपके कनेक्शन में एक चीज़ नज़र आती है यहाँ पर, कि एक ऐसा वक्त था जब आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था, ये बहुत अचीवमेंट्स कर रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहे थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे थे अपनी लाइफ में। और इन्होंने जो है हमेशा यही, आपने जब भी इनसे बात करनी कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं बिज़ी हूँ, और अभी मुझे अपने लिए ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, मुझे अपने लिए टाइम दो, मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे मेरा टाइम दो, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे मैं कर लूँगा या कर लूँगी बात जब मेरा मन करेगा। लाइक आपको इन्होंने बहुत दर्द दिया है, आप इनसे बात करने के लिए तरसते रहते थे, लेकिन ये शख्स आपसे यू नो बात नहीं करता था, या फिर आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये शख्स ना अपने आपका टाइम मांगने के नाम पर ना आपसे दूर होता जा रहा था। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा नज़र, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इस शख्स ने ना एक झटके में आपको अकेला करके रख दिया। मतलब ये साथ थे आपके, लेकिन एकदम से इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, और यू नो ये शख्स बहुत टॉक्सिक हो गया, बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा। यू नो ये शख्स आपकी लाइफ का एक डेविल बना है, ये मुझे पक्का दिख रहा है यहाँ पर। डेविल से मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से आप बहुत रोए हो, या ऐसा शख्स जिसकी वजह से आप टूट के बिखर गए, या ऐसा शख्स जिसकी वजह से मतलब आपने बहुत बुरे वक्त देख लिया, लाइक एक अकेलापन आपने देख लिया, लाइक जहाँ कुछ नहीं था। सच बोलूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि शख्स आपके लिए सब कुछ हुआ करता था, सब कुछ, और इस शख्स ने एक झटके में ना आपको पराया कर दिया, या फिर ये बोलो कि ध्यान ही नहीं दिया, कोई मतलब ही नहीं रखा। इसको ग्रोथ मिल रही थी उस टाइम, ये काफ़ी ग्रो हो रहा था, इसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था,
तो इस शख्स को ज़्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि इसको जो चाहिए था वो इसको मिल रहा था। और दूसरी बात ये है कि जो प्यार इंसान को चाहिए होता वो आप इनको दे रहे थे, बिना मांगे दे रहे थे। और शायद इनको कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोगों को ज़्यादा प्यार हजम नहीं होता, अपच हो जाता है उनको, इनके साथ भी वही चीज़ हुई क्योंकि शायद वो ज़्यादा प्यार हजम नहीं हुआ एक तरीके से। तो ऐसा कुछ गाइस मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है आपके कनेक्शन में कि आपने काफ़ी पेन इस शख्स की वजह से मिला है आपको, काफ़ी अकेले रहे हो, रोए हो, तरस से हो आप इनसे बात करने के लिए, आप तरस गए हो, यस। और ये शख्स को परवाह भी नहीं थी ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट अभी टाइम बदल रहा है, अभी वक्त बदल रहा है, अभी चीज़ें बदल रही हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जैसे आपके पार्टनर ना अपनी, ठीक है ये अपनी सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनको जो लाइफ में ग्रोथ चाहिए थी वो इनको मिल रही है, जो ये चाह रहे थे वो इनको मिल रहा है। बट अभी यू नो इनको एक अकेलापन महसूस हो रहा है, अभी इनको एक अकेलापन महसूस हो रहा है। अभी ये जो है पुरानी चीज़ों को बहुत सोचने लगे हैं ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये जिस चीज़ के पीछे पहले भाग रहे थे ना, देखो होता है ना लोगों का कि किसी एक चीज़ के पीछे भागते हैं, जब तक कि वो मिल नहीं रही होती है तब तक तो उसके पीछे भागेंगे, और जब वो मिल जाती है तो उसकी कदर छोड़ देते हैं। तो ये पहले ना आपको छोड़ के मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, इनको लाइफ स्टाइल चाहिए, ऐशो आराम से जीना है, मस्त लाइफ चाहिए, उसके पीछे भाग रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अब इनको वो चीज़ तो मिल गई है, अब मिल गई है तो ठीक है, संतुष्टि हो गई है इनको, अंदर से एक संतुष्टि मिल गई, ठंडक हो गई। लेकिन अब ये जो है एक अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, मतलब कि सब कुछ तो है लेकिन अब उसको बांटे किसके साथ, सब कुछ तो है लेकिन अब उसको एंजॉय कैसे करें, अब वो सब कुछ का क्या करें, लेकर के अकेले बैठ के क्या करें, अकेले उसका क्या करना है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि सब कुछ के पीछे जो भाग रहे थे ना वो तो इनको मिल गया, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ही उस चीज़ को बांट सके, अपने इनकी खुशी सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है। है इनकी लाइफ में लोग, लेकिन वो लोग बिल्कुल वैसे ही है लाइक मतलब से रिश्ता रखते हैं, वो लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि आप ये कह सकते हो कि बस फ़ायदे के लिए रिश्ता रखते हैं, या फिर वो लोग खुद इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब इनकी लाइफ में जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि हमारी कोई सुन ले हम क्यों सुने। दूसरी चीज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चमचे टाइप होते हैं, जो कि अपने मतलब के लिए चमचा करते रहते हैं, अपने मतलब के लिए चिपके रहते हैं। तो इनको समझ में आ रहा है ये बेवकूफ़ नहीं है, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो लोग हैं जितनी भीड़ इकट्ठी मैंने कर रखी है ना ये सब मतलब की है। और कुछ लोग तो ऐसे जो देख के जैलस फील करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो चाहते हैं कि ये कैसे बर्बादी हो इसकी तो हम खुशियाँ मना लें अपनी। तो इनको पता है कि ऐसा इनके साथ हो रहा है। अभी ना ये शख्स ना एकदम से ऐसा हो गया था, मतलब मुझे टाइम चाहिए, मुझे जो है अपने लिए चाहिए, लेकिन ऐसा है कि अब ये उस चीज़ से खुद ही बोर हो गया है, अब ये खुद उस चीज़ से बाहर आना चाहता है। मतलब इसको भी ऐसा लग रहा है कि बस यार बहुत कर लिया, वैसे मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम फॉर एक्शन का कार्ड है ना यहाँ पर। तो आपके पार्टनर का ये कि यार अभी मुझे यहाँ से निकलना है, मतलब ये चीज़ ठीक है, अच्छी है, लेकिन कहते ना कि ज़्यादा टाइम ये चीज़ भी तंग ही कर देती है इंसान को। यू नो हर चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में, तब ज़िंदगी कम्प्लीट लगती है। अदरवाइज कुछ नहीं है, कुछ कमी ऐसा ही महसूस होता रहता है। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि कुछ कमी है मेरी लाइफ में, सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ कमी है, और वो कमी आप भी जानते हो कि क्या है। और वो कमी आपने एक दिन महसूस की थी अपनी लाइफ में, जो कि कमी आज ही आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। बार बार इनका ख्याल आपकी तरफ, बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड आप एक तरीके से कह सकते हो जैसे एक इंसान ना कहीं खोया हुआ था, उसको पता ही नहीं था कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है, कोई उसके लिए रो रहा है, कोई उसके लिए तरस रहा है, किसी ने उससे बात करने की हज़ारों बार कोशिश की, लाखों बार कोशिश की, लेकिन इस शख्स ने मुड़ के नहीं देखा या फिर इससे ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा लगता है जैसे उस बेहोशी वाली एनर्जी से होश में आए हैं, और होश में आकर के भाग रहे हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, या मुझसे ये क्या हो गया है। और ये ऐसा लगता है जैसे अभी आपकी तरफ भागे दौड़े चले आ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना दर्द दिया आपको, कितनी तकलीफ़ दी इनको, ये चीज़ इनको एहसास करवाई जा रही है। अब आप इसको ये कह सकते हो ये यूनिवर्स की तरफ से करवाई जा रही है, या फिर ये वक्त करवा रहा है, आप कुछ भी कह सकते हो। बट यस, इनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जा रही है, और ये रियलाइज़ करे कि यार मैंने ये क्या कर दिया, उसको मैंने अकेला करके छोड़ दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके बुरे वक्त में आप इनके साथ थे, इनके बुरे वक्त में आप ऐसे बन के आए थे लाइक अ एंजल। इनका एक टफ टाइम था जब ये अपनी लाइफ में शायद बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा चल रहा था, हो सकता है
कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि किसी बुरी आदत के शिकार थे, किसी लत में थे, आपने उससे इनको बाहर निकाला है, किसी तरीके के एडिक्शन में थे उससे इनको आपने बाहर निकाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है। अब ऐसा आपने इनके लिए किया, किसी को ज़िंदगी दे दी आपने दूसरी, किसी को बुरी लत से बाहर निकाल दिया और इनको आगे बढ़ने के लिए आपने जो है प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए इनको मोटिवेट किया कि तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ के कुछ करो। यू नो, आज की डेट में इनको याद आ रहा है कि यार मैंने उस शख्स को पीछे छोड़ दिया कहीं, और ऐसा शख्स नहीं मिलता, ऐसा शख्स कभी नहीं मिलता, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो अभी भागे चले आ रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज अभी उनको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या है, और उनको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि अभी आप क्या कर रहे हो, उनको ये भी नहीं पता कि अभी आप उनके लिए क्या सोचते हो। बट ये जब सोचते हैं ना तो इनको ऐसा नज़र आता है कि अब आप उनको बहुत बुरा मानते हो, मतलब आपके मन में उनके लिए अच्छी इमेज नहीं बची है, आप उनको बहुत बुरा मानने लगे हो या नफ़रत करने लगे हो। बट ये नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करो, ये चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करो, बल्कि नफ़रत नहीं। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, बट इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती तो कर दी है, मैंने सही समय पे, मतलब उस समय पर मैंने सही डिसीजंस नहीं लिए, उस समय पर मैंने जो है मुझे बैलेंस करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जिस दर्द से आपने उस शख्स को निकाला, इन्होंने आपको वो दर्द दे दिया, ओके। और उसके बाद में अभी ये जो है इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई किसी को किसी तकलीफ़ से या किसी बुरी आदत से छुटकारा दिलवाए या किसी दर्द से बाहर निकाले ना, ऐसा इंसान नहीं मिलता है लाइफ में। लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो कि दर्द देते हैं, ऐसे लोग नहीं मिलते जो कि दर्द से बाहर निकालें। तो बिल्कुल वही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अभी इससे बाहर आना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी इमेज आपके सामने गिरा ली है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके लिए उतना अच्छा या उतना पॉजिटिव नहीं सोचते हो जैसे कि आप पहले सोचा करते थे। इनको ऐसा महसूस होता है, अंदर से इनको ऐसा महसूस होता है, ओके। तो ये सारी एनर्जीज हैं, इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं आप जो है आगे तो नहीं बढ़ गए अपनी लाइफ में, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। यू नो ये एनर्जी क्यों मिल रही है, क्योंकि शायद इस शख्स ने कभी हालचाल ही नहीं पूछा कि आप हो कैसे, किस हाल में हो, कहाँ हो, ऐसा ये गायब हो गया, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि ये शख्स ऐसे गायब हो जाएगा या ऐसा ये करेगा या आपको ऐसे हालात में ये छोड़ देगा, ये चीज़ आपने नहीं सोची थी। आई थिंक ये रीडिंग भी आपके लिए बहुत इमोशनल होगी जिनके साथ ये रेजोनेट करती है, क्योंकि शायद आपको वो पल याद आ जाएं और यू नो हो सकता है आप इमोशनल हो जाओ। तो यू नो एक इमोशनल, बहुत इमोशनल एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। द फूल, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ वन एंड यहाँ पर सेवन ऑफ वन। यू नो आपके पार्टनर जो है उनको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और जब वो सोचते हैं ना, सोचते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है यार मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, मैं कितना बड़ा फूल हूँ, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करके बैठा हूँ कि मैंने उस इतना बुरी तरीके से चीज़ों को ख़राब कर दिया। ऐसा लगता है जैसे कि उनको गुस्सा आता है खुद के ऊपर ही। एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। बट ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, ये चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना, ये चाहते हैं कि जो ख़राब कर दिया ठीक है लेकिन अभी आगे का सुधारना है, ये चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक किया जा सके, ये वापस से लौट करके आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि बहुत सोचते और सोचने में इनको यही महसूस होता है कि इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए आपसे जा कर के। क्यों ना इनका ये है कि आप माफ़ करो, इनकी सुनो ना सुनो, लेकिन इनका दिल इनसे कहते कि एक बार आपसे आकर के माफ़ी ज़रूर मांगे, और उसके बाद में आपका फ़ैसला होगा कि आपको क्या करना है, आपको माफ़ी देनी है नहीं देनी है, साथ रहना है नहीं रहना है। बट इस शख्स का ये है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि इस शख्स को एहसास हो रहा है कि इसने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है और ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप इससे बेहतर कुछ डिज़र्व करते थे। एंड यही चीज़ है कि अभी जब ये देख रहे हैं ना कि इन्होंने जिन रिश्तों में या फिर जिन चीज़ों के पीछे ये भाग रहे थे वो लोग खोखले थे, उनमें वो दम नहीं था, उनमें वो ताकत नहीं थी, उन लोगों में वो प्यार नहीं था, एक्चुअली वो कप्स खाली थे,
वो जस्ट मतलब के थे जो भी था, लेकिन अभी पट्टी खुली ना आँखों से, समझ में आया ना, तो उनको समझ में आया कि जो कप्स भरे थे उनकी तरफ तो मैंने देखा ही नहीं, उनको तो मैंने इग्नोर किया, जो जो सच में मेरा भला चाहते थे उनको मैंने इग्नोर किया, जो सच में मेरा भला कर रहे थे उनको मैंने जो है दुख पहुँचा दिया। तो खुद को एक बेवकूफ़ वाली एनर्जी में देख रहे कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, ऐसे तो बड़ा स्मार्ट बना घूमता हूँ या घूमती हूँ, ऐसे तो बड़ी चलाकियाँ हैं, ऐसे तो बड़ा दिमाग काम करता है, लेकिन यहीं आकर के मैंने मात खा ली। आपके पार्टनर कुछ ऐसी ऐसे थॉट्स के साथ अभी जी रहे हैं, इस तरीके के गिल्ट के साथ अभी जी रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो काफ़ी परेशान हैं ये, मतलब खुद भी खुश नहीं है, ये जो कुछ इन्होंने किया है ना वो करके ये खुद भी खुश नहीं है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड अभी ऐसा लगता है जैसे कि इनका बाकी किसी काम में भी मन नहीं लग रहा, इनको इनको अभी ना बड़ा चिड़चिड़ हो रहा है, बहुत गुस्सा इनको आ रहा है, खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इन्होंने जो कुछ अपनी लाइफ में किया ना उस चीज़ को लेकर के इनको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि यार यार मैंने ये करा क्या है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो वक्त बदलते टाइम नहीं लगता है, वक्त ज़रूर बदलता है, और वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक वक्त आपका था ऐसा जब आपने इन सारी चीज़ों से डील की थी, और अब एक वक्त उनका है जो कि अब वो डील कर रहे हैं। तो आपने मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि हाँ वो दर्द तो नहीं ख़त्म हुआ, वो घाव तो नहीं भरा, लेकिन फिर भी आप संभल गए हो, अभी आप उतना नहीं रोते हो, उतना परेशान नहीं हो, लेकिन फिर भी वो घाव नहीं भरा। आप मुझे लगता है आज भी आप उस शख्स को बहुत याद करते हो, कभी कभी शायद आप उसके लिए रोने भी लगते हो। गाइस मैं बहुत इमोशनल एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ इस रीडिंग की, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, काफ़ी इमोशनल एनर्जी है गाइस इस रीडिंग की। अगर इसको महसूस किया जाए ना, अंदर से महसूस किया जाए ना, तो जो लोग इनको इस रीडिंग को महसूस करेंगे ना वो रोने लग जाएंगे वाकई, क्योंकि ये काफ़ी ऐसा है कि जैसे कि हम किसी को दिलो जान से चाहें, किसी के लिए ये है कि हम उसे रात दिन उसके लिए हम ये प्रार्थना करें कि ये आगे बढ़े, इंसान कुछ करे अपनी लाइफ में, हम उसकी खुशी के साथ खुश है, उसके सपनों के साथ खुश है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, खुशी हमें मिल रही है। और वही शख्स अगर हमें एक दिन भूल जाए या फिर वो ऐसे रिएक्ट करे कि हम उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो उससे ज़्यादा पेनफुल कुछ नहीं हो सकता है। एंड हमारे अंदर एक अच्छाई होती है ना कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचें, वो अच्छाई भी कहीं ना कहीं हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत इमोशनल रीडिंग है, और मेरे लिए ये मैं ये कहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल रीडिंग रही है। मैंने इतनी सारी रीडिंग किया लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रीडिंग रही है। एंड यहाँ पर यही है कि मैं आगे नहीं बोलूँगी यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि मुझे जब मैं खुद इस चीज़ को देख के और रीड करके इमोशनल हो रही हूँ, तो आप लोगों का क्या हाल होगा, और जिस जिन्होंने ये पल जिया है उसका क्या हाल हुआ होगा। सो मैं यहाँ पर इस रीडिंग को यहीं कंप्लीट करूँगी, एंड मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँगी गाइस आपके लिए। एंड आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो गाइस, अपने ऊपर प्राउड फील करो कि आप बहुत अच्छी इंसान हो, और चिंता मत करो, वो ईश्वर है ना वो देख रहा है, और वो कभी ना आपकी इस अच्छाई को दाग नहीं लगने देगा, चिंता मत करो, ठीक है। बस आपको ऐसे ही रहना है अपनी ज़िंदगी में, कभी कभी बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन खुद के मन को खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, इस बात का हमेशा ज़िंदगी भर ध्यान रखना। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो चिंता मत करो आप, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन भी है, हाँ जी, आपको यहाँ पर ना यही कहा जा रहा है, एंजल्स यहाँ पर यही कह रही कि अपने मन में कुछ भी मत रखो, जो भी है बोल दिया करो, ईश्वर से बोल दिया करो, किसी मन अगर आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, जिस भी धर्म से आप हो, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, जिस पे भी ट्रस्ट है, या जहाँ भी जाकर आपको सुकून मिलता है वहाँ जाइए, और अपने मन में कोई बात मत रखिए गाइस, वहाँ जाकर के भगवान से सब कुछ कह दीजिए, एंजल से सब कुछ कह दीजिए, यूनिवर्स से सब कुछ कह दीजिए, वो देख रहे हैं, वो संभाल रहे हैं आपको, क्योंकि आप खुद एक एंजल हो, और आपका दिल बहुत प्योर है, आपका दिल बहुत साफ है, आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, तो कोई आपके साथ कैसे बुरा हो सकता है, नहीं होगा बिल्कुल भी बुरा, चिंता मत करो, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो चाहते हो वो मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको सारी खुशियाँ देने वाले, ढेर सारी खुशियाँ देंगे, और यकीनन आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, चिंता मत करो। बट अपने दिल पे कोई बोझ नहीं रखना आपने कभी भी, कभी रोने का मन करे भगवान के आगे जाके रो, लोगों के सामने मत रोना, कभी मत रोना, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, इस बात का ध्यान रखना। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है मैं उनको यही बोलूँगी
जाएगी कि रोना है तो भगवान के आगे जा कर रोना, हंसना है तो उनके जाके उनके आगे जा कर के हंसना, कुछ कहना है तो उनसे कहना, किसी से कुछ मत कहना, वो संभाल लेंगे, वो देख लेंगे, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। वो किसी इंसान के सामने अगर आप रोओगे तो शायद वो 10 लोगों के सामने हंस हंस के आपकी कहानी कहेगा, लेकिन अगर आप भगवान के सामने जाके रोओगे ना तो वो आपके आंसू पोंछेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कभी किसी के सामने मत रोना, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आपको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो अपने अपना ख्याल रखो और उस ईश्वर पर भरोसा रखो, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।